विराट महासंगम पे आप क्या कहना चाहते हैं, जो ब्राह्मण महासंगम जो हो रहा है उसके बारे में? देखिए, रिजर्वेशन की बात इस मंच के माध्यम से हुई है, पुजारी प्रोटेक्शन बिल की बात इस मंच के माध्यम से हुई है, 24% रिजर्वेशन की बात इस मंच के माध्यम से हुई है, मंदिरों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है उनकी बात हुई है, आज भी EWS के अंदर कुछ विसंगतियां बाकी हैं, उन विसंगतियों को दूर करने की बात हुई है, और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पुजारियों की हत्या हुई है, उन हत्याओं के दौरान भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सख्त नहीं कर पाई, उसकी चर्चा परचर्चा हुई है। आने वाले समय में एक राजनीतिक संगठन होने के नाते अधिक से अधिक ब्राह्मण समाज के लोगों को दोनों ही पार्टियां टिकट दे, तो उसकी चर्चा भी मंच के माध्यम से हुई है। मेरे ख्याल से इस संगम से सुरेश मिश्रा जी ने बहुत मेहनत और परिश्रम किए, कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं समाज की आजम के लिए, और आने वाले समय के अंदर और बेहतरीन परिणाम मांगे। देखा गया कि कई समय से ब्राह्मण पंचायत भी हुई है, अलग अलग समाजों ने की है पंचायतें, तो उसके बारे में जैसे ब्राह्मण करी तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हर समाज कर रहा है। देखिए, हर समाज की समस्याएं अलग अलग होती है, राजनीति लोकतंत्र के अंदर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच है, इस मंच के माध्यम से सरकार इनकी बातों को गंभीरता से लेगी और समाधान का रास्ता निकालेगी।